रीवा में आस्था के नाम पर ठगी। बागेश्वर धाम की दिव्य राम कथा के नाम पर दो युवकों ने वसूला चंदा। रीवा शहर में आस्था के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो कई दिनों से दिव्य राम कथा के नाम पर रीवा के मुख्य बाजार और मोहल्लों में चंदा वसूल किया गया। वसूली करने पहुंचे आयोजकों ने दावा किया था कि 7 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य पदधर पार्क में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य कथा हो रही है। ऐसे में दुकानदारों ने बढ़ चढ़ कर दान किया, साथ ही रसीद भी प्राप्त किए। जब सोमवार को आयोजन स्थल में भीड़ और पंडाल नहीं दिखा तो ठगी का एहसास हुआ। कई भक्तों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जानकारी ली। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस बीच मैदान खाली है, किसी ने बुकिंग नहीं की। ऐसे में दुकानदारों ने चंदा वसूली करने आए दो ठगों की फोटो और पैम्पलेट उपलब्ध कराया। हालांकि रीवा शहर में हो रही वसूली को लेकर पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुई है। क्या बोले नगर निगम के जिम्मेदार। नगर निगम के सहायक आयुक्त राजस्व MS सिद्दीकी ने बताया कि पद्धार पार्क पर पूरी तरह खाली है। अभी तक किसी ने कोई कथा का आवेदन नहीं दिया है। 14 नवंबर से एक आयोजन के लिए 7 नवंबर को एक फार्म आया है जिसमें बारे में विचार चल रहा है। जहां तक पद्धार पार्क में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की राम कथा की बात है तो सरासर गलत है। उनके द्वारा कोई बुकिंग नहीं कराई गई है। वसूली करने पहुंचे आयोजकों ने दो पन्नों की रसीद भक्तों को दी थी। पहली रसीद में श्री दिव्य राम कथा श्री बागेश्वर धाम द्वारा स्थान पद्धार पार्क नाम में कैश मेमो है जिसको काट कर भक्तों में वसूली हो रही है, जबकि दूसरे फॉर्म में कार्यक्रम का विवरण दिया गया था। दिव्य राम कथा 7 नवंबर दिन सोमवार से प्रारंभ होकर 20 नवंबर दिन रविवार को समापन रखा गया। कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रसपान कराया जाएगा। बने रहें तो खबरदार न्यूज के साथ।